हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जी के ओडिशा। सांगो माने आज आम ओडिया व्याकरण जे कि हमर जो छंद एवं लोकवाणी, ठीक अछि, छंद और लोकवाणी उपर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन हमर ओ ट्रिपल एससी रो फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर बा ओ डबल एससी रो आरआई, एआरआई, अमीनो प्रत्येक एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहउछि। जेहेतु हमर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम बहुत जल्दी पाखे आसिलानी, तो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पई कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। बा हम पूरा सियोर शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन रो हमर जो छंद एवं लोकवाणी रो जो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची, ठीक सही टाइप रो क्वेश्चन आज हमें डिस्कशन करिबा। ठीक अछि, देखंतु आपण माने जानिथिबे मैथ रे थाय शॉर्ट ट्रिक, किंतु आज हमें ग्रामर उपर पूरा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करिबा। ठीक अछि, सेही शॉर्ट ट्रिक माध्यम रे हमें छंद एवं लोकवाणी रो सब गोटे गोटे करके ट्रिक मने रखिबा एवं आंसर देकी आसीबा। बुझुछंती, बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हमें डिस्कशन करिबा। जदि भी आपण मानंकु एहार पीडीएफ दरकार, आपण माने हम जीके ओडिसा टेलीग्राम चैनल जॉइन होई जानतु एवं पीडीएफ पाई जानतु। देखंतु जहाँ भी सब आपंक कहूँ ना, से सब आप गोटे नोट करके रखुद। ग्रामार गोटे स्पेशियाल खाता बनई दिंतु, ठीक अच्छे, नोट नोट खाता बनई दिंतु। केवल तादेह ग्रामार रुक जो पार्ट हिसाब से प्रोभाइड करुच्ची, से हिसाब से आपड़ कौन करें लिखि दिंतु खातार, एवं पर आम टेलीग्राम चैनल पीडीएफ टी डाउनलोड करके पूरा आउ थे आप रिविजन टाइप कर दिंतु। देखिए पूरा आपंकर माइंड में सेटअप हो तेरे। चलतु आज प्रथम क्वेश्चन टी आम आरंभ करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु, जेकि क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन टी कहे कि ओडिया भाषा रे व्यवहृत वचन केते प्रकार, कौन कहला ना वचन केते प्रकार ओडिया भाषा रे। तो वचन केते प्रकार आम जानवा, प्रथम मन रखु वचन क्या कहा जाए ना जहा द्वारा वस्तु बा व्यक्तिर संख्यार जना पड़े। मन रहा जहा द्वारा गोटे कौन ना वस्तु बा व्यक्तिर संख्या जना पड़े ताकू आम वचन बोली कहिबा। नोट कले तापर को सेकेंड रे करंतु वचन केते प्रकार ओडिया भाषा रे। वचन गोटे थाए ओडिया भाषा रे एवं आउ गोटे थाए आमर संस्कृत भाषा रे। ठीक अछि, किंतु आमको एठी ओडिया भाषा रे पचारे छि कि आमर वचन केते प्रकार। तो आपण माने कहबे वचन होउछि ओडिया भाषा रे ऑप्शन ए दुई प्रकार। फुणी मन भितरे क्वेश्चन आसतबो से दुई प्रकार कौन ना नोट करंतु, गोटिए हैला एक वचन एवं आउ गोटे हैला बहुवचन। ठीक अछि, ओडिया भाषा रे वचन हैला दुई प्रकार, एक वचन एवं आउ गोटे हैला बहुवचन। जदि आपन को एठी पचारी थांता संस्कृत भाषा रे वचन केते प्रकार, आपन माने कोन कहि थांते ना संस्कृत भाषा रे वचन हेउची तीन प्रकार। पुणी मन भितर क्वेश्चन आसीबो से तीन प्रकार कोन कोन नोट करंतु, एक हैला एक वचन एवं सेकंड हैला द्विवचन एवं तृतीय रहला बहुवचन। ठीक अछि, संस्कृत भाषा रे वचन हेउची तीन प्रकार कौन कौन ना गोटी हैला एक वचन, सेकेंड रहला द्विवचन, तृतीय रहला बहुवचन। ठीक अछि, आ ओडिया रे वचन केते प्रकार ओडिया भाषा रे, तो आपण माने कहबे दि प्रकार, गोटी हैला एक वचन आ गोटे हैला बहुवचन। तापर पचारिबो कि वचन कहा को कहा जाए ना, आपण माने कहबे जहा द्वारा वस्तु बा व्यक्तिर संख्या जना पड़े ताकू आमे वचन बोली कहिबा। एतिक आपण माने क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलंतु सब ही नोट डाउन करके रखंतु, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि, खाली टिके धैर्य रह देखंतु, आमे तापर ट्रिक अप्लाई आरंभ कर दबा। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर टू देखंतु, त्रिवेणी समासर नाम लेख, त्रिवेणी समासर नाम लेख, निम्नलिखित मानक मध्यरु कोउटा गोटिए त्रिवेणी समास, करेक्ट आंसर कौन है कहतु। देखो त्रिवेणी समास आम क्या कहवा, प्रथम मन रखु त्रिवेणी समास आम क्या कहवा ना, आपण मैंने कहे तीन बेणीर समाहार को कौन ना तीन बेणीर समाहार को आम त्रिवेणी बोली कहवा। ठीक अच्छे, बुझिपारे ना नहीं, तीन बेणीर समाहार को आम त्रिवेणी बोली कहवा। एटी कहला कि त्रिवेणी समासर नाम लेख, ये जो सब समास देला आ भितर कोउडा गोटे त्रिवेणी समास, करेक्ट आंसर कौन है कहतु। तो आपण माने कहबे ऑप्शन सी दिगु। ठीक अछि, दिगु जो आमर रहिला एटा होछ आमर कौन ना त्रिवेणी समास। तापर देखंतु द्वंद समास कौन, बहुव्री समास कौन, कर्मधारय समास कौन, बस मु आपनकु कहि दउछि आपण नोट करंतु। तो मु जदि भी लेखिबे एथि बहुत समय जीव, प्रथम आपण मन रखंतु द्वंद समास। ठीक अछि, देखंतु दुईटी समस्या मान पद भितरु समस्तंकर जे प्रदान करूथिबो, ठीक अछि,
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ କରୁଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ କାହାକୁ କହିବା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେତେବେଳେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତ ଦୀର୍ଘ ସମାସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସମାସ। ମନେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି କରିଦେବେ ଦୀର୍ଘ ସମାସ। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଧାରୟ, କର୍ମଧାରୟ କାହାକୁ କହିବା, କ'ଣ କହିବେ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ କଥା ଉଠିଲେ କର୍ମଧାରୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ କଥା ଉଠିଲା ମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କି ଏଠି ତ୍ରିବେଣୀ ସମାସ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଯେ କି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେଉଁ ସମାସ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବହୁବ୍ରୀ, ଦିଗୁ, କର୍ମଧାରୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସମାସ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଦେଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ପଚାରିଦେଇଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାର ଯାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାର ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ମନେ ରହିଲା, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାର ଯାହାର କାହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ। ଏଠି କହିଲା କି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସମାସ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ବହୁବ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ସମାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁବ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଗମନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟି କ'ଣ। ଉଦ୍ଗମନ, ଉଦ୍ଗମନରେ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଉଦ୍ ନା ଉଦ୍ ନା ଉହ୍ ନା ଉଜ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4? ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉପସର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଉପସର୍ଗ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ନା ଉପସର୍ଗ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗମନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଆମର ଉଦ୍, ତାହେଲେ ଉଦ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଉପସର୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଯେ କି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପସର୍ଗ। ଏଠି ଯେମିତିକି ଗମନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ଉଦ୍, ତାମାନେ ଉଦ୍ଟା ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉପସର୍ଗ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆମେ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହି ରଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିକେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 800+ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ରିଜୋନିଂ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରକୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟ, ଇଏସବୁ ଆମ ଏଇ ଜିକେ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ପୁରା ସବୁ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଥରେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ଆ କ୍ରୁଶ ଅନ୍ନ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ। ଆ କ୍ରୁଶ ଅନ୍ନ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ
ना ऑप्शन बी आकर्षण ठीक अच्छे आ युक्त क्रूस युक्त अन्न आ क्रूस अन्नरु गोटे शब्द सृष्टि है से शब्दर ना हूँ आकर्षण ये मन रखु पचारदब कि आ क्रूस अन्नरे किए शब्द अच्छी किए धातु अच्छी किए प्रत्यय अच्छी तो आपण मैंने मन रखु प्रथम रहा आ नोट करेंगे सबू तापर रहा क्रूस तापर रहा अन्न ठीक अच्छे एटि पचारदब आ क्रूस अन्न किए शब्द अच्छी तो आपण मैंने कहे आ जो लगला आ रहा आमर शब्द तापर क्रूस जो लगला क्रूस रहा आमर धातु नोट करुथिबे तापर अन्न अन्नटा कौन ना अन्न आपण मैंने कहे यहाँ गोटे प्रत्यय ठीक अच्छे शब्द धातु प्रत्यय तीन टा लग कि शब्द धातु प्रत्यय लग गोटे शब्दटी सृष्टि है जो शब्दी है कि आकर्षण ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर यही गुरा मन रखी थे कौटा शब्द कौटा धातु कौटा गोटे प्रत्यय ठीक अच्छे शब्द धातु प्रत्यय लग कि गोटे आमर शब्द सृष्टि हुए जे कि ये सृष्टि है आकर्षण ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स अधिकरण कारक केते भागर विभक्त बढ़िया क्वेश्चन टी कहला कौन कहला ना अधिकरण कारक केते भागर विभक्त होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना आपण मैंने कहे ऑप्शन बी तीन प्रकार अधिकरण कारक तीन भाग में जे कि विभक्त पुणी मन भितर आप क्वेश्चन आसे तीनटा ना कौन तीनटा कारकर नाम कौन कहूँ नोट करूँ गोटी है स्थानाधिकरण स्थानाधिकरण कारक एवं आ गोटे है कौन ना कालाधिकरण नोट करूँ कालाधिकरण एवं आ गोटे है विषयाधिकरण सबू नोट करूँ बहुत इम्पोर्टाट रखु गोटे है स्थानाधिकरण आउ गोटे कालाधिकरण आउ गोटे विषयाधिकरण पुणी मन भितर क्वेश्चन आसत स्थानाधिकरण कौ जगार बस कालाधिकरण कौ जगार विषयाधिकरण के जगार बस तो मन रखु जदि आपन को गोटे स्थान विषय कही बुझुंट जदि आपन को गोटे स्थान विषय कही गोटे प्लेस विषय कही तो आपण मैंने कहे कि स्थानाधिकरण बस आउ कालाधिकरण कौटि बस ना जदि आपण को गोटे समय विषय पचार बुझिपार्थ गोटे समय विषय इंडिकेट कर तो आपण मैंने कहे समय कथा पचार समय कथा इंडिकेट कर माने से कालाधिकरण बस ठीक अच्छे तापर को विषयाधिकरण कौन ना गोटे आपन को पर्टिकुलर विषय कथा पचार माने आपण मैंने कहे यहाँ विषयाधिकरण बुझिपार्थ पचारदेव कि राम काली दसटा तीस कटक जीव दसटा तीस तले अंडरलाइन करदे थोटा के करण रे अच्छी तो आपण मैंने कौन कहे ना समय कथा पचारा मान तो आम कौन कहटा ना कालाधिकरण बुझिपार्थ टाइप रही आपन को क्वेश्चन पचार नोट डाउन करोटी जाक रखु तीनोटी सैड लिखि दिंतु कि कौटा कौ जगार बस आपण मानक पूर्व कहली स्थानाधिकरण गोटे स्थान विषय पचार बस कालाधिकरण गोटे समय विषय पचार बस विषयाधिकरण गोटे पर्टिकुलर विषय विषय पचार आपण विषयाधिकरण बस क्लीअर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु क्वेश्चन नंबर सेवेन देखु क्वेश्चन टी कौन कह ओडिशार राज्यपाल भिन्नक्षम मानू गाड़ीदान कले रेखांकित पदटी कौन ये जो ओडिशा तरह अंडरलाइन करार राज्यपाल भिन्नक्षम को गाड़ी प्रदान करे रेखांकित पदटी कौन यटा के पदर अच्छी कहतु तदित पद ना संबंध पद ना कारक ना कृदंत पद क्वेश्चन नंबर सेवेन करेक्ट आंसर कौन है कहतु कौन कहे ना ऑप्शन बी संबंध पद ठीक अच्छे संबंध पदर जे कि यही वाक्यटी आमर अच्छी देखो सांग मैंने ये आपन को किसी कहूँ मन रखु जोटा कि आमर पचार दिए बेले बेले कौन ना तो आपण मैंने जान लें कि यहाँ गोटे संबंध पद ठीक अच्छे कारक विभक्ति मन रखु कारक विभक्ति जदि आपन को रे लगे पचार तो आपण मानक पचारदेव यहाँ आमर कौन कहले यमर के विभक्ति हम कौन कहे ना तृतीया ठीक अच्छे जदि आपन को कारक कारक विभक्ति रे लगे कि पचार तो आपण मैंने कहे यहाँ हम मोर तृतीया ठीक अच्छे
ଯଦି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ କି କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ସମୟ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ହେବ କ'ଣ ନା ସପ୍ତମୀ। ମନେ ରଖିଥିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ରହୁଛି ସପ୍ତମୀ, ଠିକ ଅଛି। ସପ୍ତମୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା ଆମର ସପ୍ତମୀରେ ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାରକ ବିଭକ୍ତିରେ ରେ ଲଗେଇକି ପଚାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେଇଟା ଆମର ତୃତୀୟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ରୁ ଲଗେଇକି ପଚାରିଛି, ରୁ ଲଗେଇକି ପଚାରିଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମୀ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ର ଲଗେଇକି ପଚାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଆମର ଷଷ୍ଠୀ, ଠିକ ଅଛି। ଷଷ୍ଠୀ ଯଦି ର ଲଗେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ର ଲଗେଇକି ଯଦି କାରକ ବିଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀରେ ଗଣା। ରୁ ଲଗେଇକି ଯଦି ପଚାରିଛି, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମୀ। ଆଉ ଯଦି ରେ ଲଗେଇକି ପଚାରିଛି, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ତୃତୀୟା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥାନ ସମୟ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଷୟ ବିଷୟରେ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେଇଟା ସପ୍ତମୀ। କ୍ଲିୟର? ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖାତା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଖାତା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ସବୁ ଲେଖିଥିବେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ତ ସେଥିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛି ନା କ୍ଷୁଧାର ପୀଡ଼ା ଅସହ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ଷୁଧାର ପୀଡ଼ା ଅସହ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛି। 8 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପସନ୍ କ'ଣ, 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଠିକ ଅଛି। କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, କ୍ଷୁଧାର ପୀଡ଼ା ଅସହ୍ୟ ଅଟେ, କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଠିକ୍? ବିଭୀଷଣ, 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 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ 9ର? ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅପସନ୍ଟା ଏଲିମିନେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଆମର ବିଭୀଷଣ ଦେଲା, ତ ଆମେ କ'ଣ ଷଣ, ଷଣ ଆମର କେଉଁ ଶ ଲାଗିବ? ମୁଦିନେଶ ନା ଦନ୍ତେଶ ନା ତାବ୍ଲେଶ ନା ଦନ୍ତେଶ, କେଉଁ ଶ ଲାଗିବ ମନେ ପକେଇବେ? କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ତ ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଦିନେଶ ଲାଗିଲା ବାଗିଆ। ଯଦି ମୁଦିନେଶ ଲାଗିଲା ବାଗିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଅପସନ୍ ଡି କାଟିଦେବେ, ଦନ୍ତେଶ ଅଛି, ଏଠି ତାବ୍ଲେଶ ଅଛି ଏଟା ବି କାଟିଦେବେ, ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ଅଛି ଏଟା ବି କାଟିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା ଅପସନ୍ ଏ, ବିଭୀଷଣ, ଠିକ ଅଛି, ଯେ କି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପକେଇଥିବ ନା କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଜାଣିଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସବୁ ଯାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ତ ସେମିତି ଦେଖିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଖାତାରେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଖିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଖାତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟା ଥିବ ଦେଖିବେ 99.9% ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। ରାବଣ ଣ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ରାବଣରେ ଏ ଯେଉଁ ଣଟା କ'ଣ ପାଇଁକି ହେଲା, ଣ କାହିଁକି ହେଲା ଆଉ ନ କ'ଣ ପାଇଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନ ହେଲାନି, ଣ କ'ଣ ପାଇଁକି ହେଲା ପଚାରିଛି, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ନ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ଣ ନ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ନା ଣ ବସିଲା ରାବଣରେ, ଠିକ ଅଛି। ରାବଣ, ରାବଣରେ ଣ କାହିଁକି ବସିଛି ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ରାବଣରେ ଣ ବସିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ କି ଆମର ଣତ୍ଵବିଧି ଓ ସତ୍ଵବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହୋଇଛି, ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଣତ୍ଵବିଧି ଓ ସତ୍ଵବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇଟା ହୋଇଛି, ରାବଣରେ ନ ନ ବସିକି ଣ ବସିଛି। କ୍ଲିୟର? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି, ବଜ୍ଞବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ଆମର ବଜ୍ଞବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଥାଏ କୁହନ୍ତୁ, ବଜ୍ଞବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଅପସନ୍ ସି 25ଟି ଥାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ ବଜ୍ଞବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 25ଟି ଥାଏ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ପୁଣି ତାପରେ ପଚାରେ ନଟବାଣୀ ଆମର କେତୋଟି ଥାଏ, କ'ଣ କହିବେ ନଟବାଣୀ ଆମର କେତୋଟି ଥାଏ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରହୁଛି, ନଟବାଣୀ କେତୋଟି ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି।
केतोटी थाए नटवणी ना आपण माने मन रखंतु 12टी 12टी थाए आमर नटवणी किंतु बज्ञ वर्ण आमर थाए 25टी देखंतु एठी आमर आउ को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो ना म आपण को कहू छी आपण माने नोट डाउन करकी रखंतु जदि देखंतु आपण को पचार देथिबो कोन ना आमर पचार देथिबो कि नोट करंतु प फ ब भ ठीक अछि प फ ब भ एटा आमर पचारदेव कि यहाँ आम के स्पर्शर अच्छी ठीक अच्छे क्यों स्पर्शर अच्छी ओष्टीय स्पर्श ना दंतीय स्पर्श ना मूर्धन्य स्पर्श ना कंठीय स्पर्श तो आपण मैंने कौन कहे प फ ब भ पचारा आपण मैंने कहे यहाँ जैक आम ओष्टीय स्पर्शर अच्छी नोट डाउन करूँ ठीक अच्छे ओष्टीय स्पर्शर जैक प फ ब भ अच्छी सेमती त थ द ध कौन अच्छी सब नोट डाउन करूँ त थ द ध यहाँ आम के स्पर्शर अच्छी ना आपण मैंने कहे दंतीय स्पर्श तापर रोज कि ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ ठीक अच्छे ट ठ ड ढ आम के स्पर्श ना आपण मैंने कहे मूर्धन्य स्पर्श तापर रहा कि क ख ग ग क ख ग घ एटा आमर के स्पर्शर अच्छी ना आपण मैंने कहे कंठीय स्पर्शर अच्छी ठीक अच्छे ओष्टीय स्पर्श दंतीय स्पर्श मूर्धन्य स्पर्श कंठीय स्पर्श कौटा कहली सब आप नोट डाउन करूँ कहीं क्वेश्चन टाइम फायर मैन आसी ठीक अच्छे से कहली प फ ब भ पचार दब कौ स्पर्शर अच्छी तो आपण मैंने कहे ओष्टीय कौन ना प फ ब भ आम ओष्टीय स्पर्शर अच्छी ठीक अच्छे ये जो चारिटा स्पर्श आपको कहली सब आप नोट डाउन करके रखु क्लीअर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु क्वेश्चन नंबर 12 देखु क्वेश्चन नंबर 12 आमको कौन पचार बहुत भल भल क्वेश्चन बर्तमान आसला मन रखु प्राणी भल मंद बाणी मरण कारे ताहा जानी कविता क्यों छंदरे रचित प्राणी भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी कविता क्यों छंदरे रचित यहाँ आम के छंदरे रचित अच्छी कहतु दांडी ना गुजरी ना चोखी ना नटवाणी तो आपण मैंने कौन कहे प्रथम क्वेश्चन नंबर 12 आपणकर नोट करूँ तापर लिखु कि सट्रिक सट्रिक ये कौन अप्लाई करेंगे ना मन रखु जहाँ आपको कहूँ देखिए जितेबले आमर अक्षर संख्या केतोटी एटी अच्छी कहतु मत फास्ट ना ये तीन ये चार केते हला चार तीन सात ये दुई नौ टोटाल अक्षर संख्या नौ अच्छी जितेबले नौटी अक्षर संख्या आसला एवं से पचारा के छंदे अच्छी तो आपण मैंने सब मन रखिथे नौ अक्षर विशिष्ट संख्या सबुब आमर ऑप्शन सी जे कि गुजरी हम ठीक अच्छे क्यों छंद ना गुजरी छंदर लिखा जा फास्ट ट्रिक लिखु जदि नौटी संख्या आसला ठीक अच्छे नौटी कौन देखु तीन एटी चार तीन सात आठ दुई नौ नौटी आसला माने तो आपण माने कहिबे कौन ना गुजरी छंदरे अच्छी पुणी एठी मन रखु जदि एगारटी संख्या आसी थे कौन है एगारटी अक्षर संख्या आसी थे आपण कहे चक्र केली छंद ठीक अच्छे कौन कहली ना चक्र खेली छंद जितेबले एगारटी अक्षर संख्या आसीबो सेतेबले चक्र खेली छंद हम तापर पुणी जितेबले चौदह संख्या आसीबो तो सेठी कौन है ना आपण माने कहे शंखरावरण हम ठीक अच्छे बुझिपाले चौदह संख्या थी शंकरावरण हम आउ जो बार संख्या आसीबो सेठी कौन करिवे ना सेठी आमर हम कौन ना नटबाण ठीक अच्छे नटबाण हम सब जहाँ कौच सब नोट करूँ एतिक आपण वर्तमान नोट कले ना ना नौ अक्षर संख्या एगार अक्षर संख्या चौदह अक्षर संख्या बार अक्षर संख्या तो प्रत्येक आम क्वेश्चन रखीचु आम डिस्कसन करवा मन रखु नौटी संख्या आसी मैंने आम कह गुजरी छंदवाणी गुजरी छंदरे अच्छी ऑप्शन सी हो जीवो एठी करेक्ट आंसर क्लियर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु कोन कहू छी एठी देखंतु संग माने एठी क्वेश्चन टी कोन कहिला ना चोखी छंदरे प्रति पदरे केतोटी पाद थाए चोखी छंदरे प्रति पदरे केतोटी पाद थाए करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंदु चोखी छंदरे प्रत्येक पदरे केतोटी पाद थाए कौन कहे क्वेश्चन नंबर 13 ना ऑप्शन बी चारोटी पाद थाए ठीक अच्छे प्रत्येक छंदरे चारोटी पाद थाए मन रखिथिबे चारि पादरे गोटिए पद हेबो कौन ना चारि पादरे गोटिए पद हेबो मन रखिथिबे चारिटा पादरे गोटिए पद हेबो बा गोटिए पदरे चारोटी पद थाए गोटिए पदरे चारोटी पद थाए ठीक अच्छे
चारिपादरे गोटे पाद हुए बा गोटे पदरे चारिपाद थाए। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु। क्वेश्चन नंबर 14 देखु क्वेश्चन टी कौन कौच सत कहवा को किया डरबी सत कह पछे मले मरबी क्यों छंदरे लिखित ये जो सत कहवा को किया डरबी एटा क्यों छंदरे लिखित कहतु मुझे अक्षर संख्या 9 अक्षर संख्या 11 अक्षर संख्या 12 अक्षर संख्या 14 मन पकातु ये प्रथम सांगे सांगे आप अक्षर गणि दिंतु ये 2 ये 4 2 6 2 8 8 2 कते ना 11 एगार संख्या अच्छी माने तो आप कहे एगार संख्या अच्छी माने आपन टिके पूर्वर कहते जे कि आमर चक्र केली छंद हम ठीक अच्छे जे कि ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर बुझिपारे के बढ़िया सर्ट ट्रिक देखुं तो ये ट्रिक मध्यम आपंकर पूरा छंद क्लीअर हो मन रखुदु एगार जो आपर अक्षर संख्या पलि आसला तो आपने कहे ऑप्शन बी चक्र केली छंद अच्छी क्लीअर बुझिपारे तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन टी कौन कौच रामकाली रागरे रचित गोटे पदर केतोटी पाद थाए कौन कहला ना रामकाली रागरे रचित गोटे पदर केतोटी पाद थाए करेक्ट आंसर कौन करेंगे कहतु ना ऑप्शन बी दुईटी पाद थाए ठीक अच्छे रामकाली रागरे रचित गोटे पदर दुईटी पाद थाए मन रखि थे बहुत इंपोर्टेंट रोज गोटे पदर दुईटी पाद थाए तापर पचार रामकाली अक्षर संख्या केते कौन कहे ना अक्षर संख्या 16 जोटी अक्षर संख्या 16 आसुथिबो तो आपण माने सेटा जानिबे कौन ना आमर रामकाली छंदरे अच्छी क्लीअर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु। क्वेश्चन नंबर 16 देखु कौन कौच देखु क्वेश्चन टी कहला कि हे आनंदमय कोटि भुवन पालक गीतटी क्यों छंदरे लिखित हे आनंदमय कोटि भुवन पालक गीतटी क्यों छंदरे लिखित करेक्ट आंसर कौन है कहतु क्वेश्चन नंबर 16 ना आपण माने कहे ऑप्शन कौन सी शंकरावरण शंकरावरण कहीं मन पड़ू ना जो 14 संख्या आसव 14 अक्षर संख्या आसा आमर हो शंकरावरण मन रे ये कईटा आई गणतु ये 3 6 6 6 2 8 8 2 10 2 12 1 13 1 14 14 संख्या आसला माने तो आपण माने जानिले शंकरावरण रे अच्छी देखु पर्टिकुलरली मुझे ये क्वेश्चन टा प्रोवाइड करछि ता माने ये क्वेश्चन टा आसी जीवो सेमती किछि कहि होउनी ठीक अछि तो मन रखिथिबे तो ये क्वेश्चन टा आसो बा अन्य कोनोसी क्वेश्चन आसो जदि 14 संख्या शो करूछि तो आपण माने जानिबे एटा हमर शंकरावरण सेमती जो कौन से क्वेश्चन शो करूना कहीं मनु जोटा पकई पारे ना तो 9 संख्या शो करते आप कहली से गुजरी 11 शो करते चक्रकेली 14 शो करते शंकरावरण ठीक अच्छे 12 शो करते नटवाणी ठीक अच्छे ये सब ही आप नोट करके रखुद क्वेश्चन तार जहाँ जमी पकाच पका उपास संख्या गुड़ाक मन रखिले आप आंसर आराम से देखिए आसबे क्लीअर क्वेश्चन नंबर 16 जे कि ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर एमती क्वेश्चन न पचारे क्वेश्चन ओल्टई दबो कौन पचार ना आमर जो रहा किए देखु शंकरावरण अक्षर संख्या केतोटी बुझिपारे शंकरावरण बा शंकरावरण अक्षर संख्या केतोटी थाए तो आपण मैंने कहे 14 थाए ठीक अच्छे तो ऑप्शन दे दी थी शंकरावरण अक्षर संख्या केतोटी 14 15 9 10 तो आप करेक्ट आंसर कौन करेंगे ना 14 करेंगे ठीक अच्छे से कौच ए संख्या गुड़ाक भी आप मन रखुदू बहुत इंपोर्टेंट रोचे आपण मानक कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहला कि उत्कल कमला विलास दीर्घिका मरार मालिनी नीलांबू चिलिका यह क्यों छंदरे लिखित जो आमर रहा कि उत्कल कमला विलास दीर्घिका यहाँ क्यों छंदरे लिखित कहतु सांगे सांगे तो अक्षर आप सांगे सांगे गणि दिंतु 3 6 3 9 3 केते 12 12 संख्या अच्छी तो 12 संख्या अच्छी माने यहाँ कौन है मन पकई दिंतु सांगे सांगे कौन कहे ना ऑप्शन बी नटवाणी छंद ठीक अच्छे 12 देची माने नटवाणी छंद हम आउ शंकरावरण केतबले हम ना शंकरावरण मन पका कौन कही आपको ना शंकरावरण जदि 14 संख्या था जो आधे आउ दुईटा संख्या आड जाता आमर हो जाता शंकरावरण ठीक अच्छे जेहतु 12 संख्या अच्छी माने नटवाणी क्वेश्चन पचारिद कि नटवाणी अक्षर संख्या केते तो आप कहे 12 ठीक अच्छे नटवाणी अक्षर संख्या हूँ 12 शंकरावरण अक्षर संख्या हूँ 14 क्लीअर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन टी कौन कौच तुम नाम कौन
ठीक अच्छे तुम नाम कौन दत्त वाक्य क्यों चिन्ह दिजिव यो वाक्य तुम नाम कौन एवं चिन्ह दिजिव कहतु क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर कौन है कहतु तुम नाम कौन एटा जड़े कौन जन को क्वेश्चन पचारूँ ना तो आम निश्चय कहटा ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जी आम क्वेश्चन मार्क बस ठीक अच्छे तो ये आश्चर्य कला बाकी कौन पर बस आश्चर्य सूचक चिन्ह के बस ना जिते बड़े जन गोटे एमती कथ कहमी से आश्चर्य टाइप लगुव तो से जगह आम आश्चर्य सूचक चिन्ह लगेगा जेहेतु आमको ये जन क्वेश्चन पचारूँ तुम नाम कौन तो कौन रच्चारण आसला मैंने क्वेश्चन पचारूँ तो आम ये ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जे कि क्वेश्चन बाचक चिन्ह लगे क्लीअर बुझिपारा ना तो ये कमा भी जमा लगे ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन नंबर 19 देखु क्वेश्चन टी कौन कौन बाबू मो कथा टिके सुन बाबू परे केउ चिन्ह देले वाक्यटी शुद्ध हेब ए जो बाबू मो कथा टिके सुन ए जो बाबू परे केउ चिन्हटा को देले वाक्यटी जे कि उडे शुद्ध लागिवो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंदु ना आपण माने कहबे ऑप्शन ए कमा बाबू परे लेखि कि आमे जदी गोटी कमा देकि तापर लेखिबा मो कथा टिके सुन जेते बळे आमे डाकू कोन कहू बाबू मो कथा टिके सुन डायरेक्ट तो डाकुने ना जिते बड़े जी भी डाकुची बाबू बाबू पाखे टिके स्पेस नौची बाबू मो कथा टिके सुनंतु सेठी रही जाऊची टिके समय स्पेस दौची गैप दौची ठीक अच्छे बाबू मो कथा टिके सुन ठीक अच्छे से कि बाबू पाखे जदि आमे कमा देकि तापर मो कथा टिके सुन लेखिबा तले वाक्यटी गोटे शुद्ध बागिया लागिबो जे कि ऑप्शन ए हे जीवो क्वेश्चन नंबर 19 रो करेक्ट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची बाबू मो कथा टिके सुन बाबू परे केउ चिन्ह देले वाक्यटी शुद्ध हबो एटा बथे डबल रही जाइछि ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 19 हमर एटा गला ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची देखंतु एठी क्वेश्चन टी कोन कहिला बाप रे एते बड़ साप एठारे केउ चिन्ह देले वाक्यटी शुद्ध हेबो बाप रे एते बड़ साप टिके पूर्वर मु आपण मानकु कहिके आसिली जोटी आश्चर्य कलाबागिया कथा कहुथिबो जोटी आश्चर्य कथा कलाबागिया कथा आमे सुनुथिबा सेठी आमे कोन लगेबा ना आश्चर्य वाचक चिन्ह तो एठी आपण कोंतु कोडा गोटी आश्चर्य वाचक चिन्ह कोन कहिबे ना ऑप्शन सी जे कि एटा जो सिंबल देखुचंती एटा होची गोटी आश्चर्यवाचक चिन्ह ठीक अच्छे बापरे एत बड़ साप तापर आम ए चिन्हटा को आश्चर्यवाचक चिन्ह लगेले तो वाक्यटी संपूर्ण रूपे शुद्ध हबो ठीक अच्छे जे कि ऑप्शन सी हे जीवो एठी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची हरि गोटे भल पिला निम्नोक्त केउ चिन्हर प्रयोग दत्त वाक्य रे करा जीवो हरि गोटे भल पिला आपरे केउ चिन्हटा को आमे प्रयोग कले वाक्यटी ठीक लागिवो करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंदु कोन कहबे क्वेश्चन मार्क लगेबे कि तो आपण माने कहबे नाही काहेकि लगेबानी काहेकि लगेबानी ना एटा तो जण को क्वेश्चन से पचारुनी आमे क्वेश्चन वाचक चिन्ह कोन पाईकि लगेबा ठीक अछि कमा भी लागिवोनी किछि लागिवोनी जे किठी हमर करेक्ट आंसर होई जीवो ऑप्शन डी जे कि कोन ना पूर्णच्छेद ठीक अच्छे पूर्णच्छेद लगे हरि गोटे भल पिला ये गोटे पूर्णच्छेद लगे ठीक अच्छे पूर्णच्छेद लगे द्वारा वाक्यटी संपूर्ण रूपे प्रकाश पाँच जे कि ऑप्शन कौन डी हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्वेश्चन टी कौन कहूँ बहुत भल भल क्वेश्चन क्वेश्चन टी कहला कि वर्षक छ ऋतु यथा ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत और बसंत एठारे यथा परे केउ चिन्हर प्रयोग करा जीवो देखंतु वर्षक छ ऋतु यथा ए यथा परे आमे केउ चिन्हटा को लगे कि एगरा सब लेखिबा कोंतु कोन करबे यथा परे केउ चिन्ह लागिबो कोंतु ना आपण माने कहबे जथा पर जे कि हमर गोटे हाइपेन लगे ठीक अच्छे हाइपेन ए जथा पर हाइपेन लगेला परे तापरक आमे जा लेखिया कथा लेखिबा ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत वर्षक छ ऋतु ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट रहउची एटा भी मन रखिथिबे किए को चिन्ह एटा होची इंपोर्टेंट आपण माने मन रखंतु कोउटा को प्रकार चिन्ह ठीक अच्छे जदि आमे चिन्ह देखि पारथुवा चिन्हर ना जानि नथिबा तो आपण माने सेठी कोन बसेबे ठीक अच्छे तो एठी मन रखिथिबे ऑप्शन बी हे जीव जे कि करेक्ट आंसर ठीक अच्छे वर्षक केते ऋतु छ ऋतु कौन कौन से ऋतु ना भी आपण माने एठी मन रखंतु क्वेश्चन नंबर 23 देखंतु क्वेश्चन टी कौन कहउची क्वेश्चन कहला कि माँ आमे केबे गाँ को जीवा एठारे केउं चिन्हर प्रयोग करा जीवो माँ आमे केबे गाँ को जीवा एठारे केउं चिन्हर प्रयोग करा जीवो 23 रो करेक्ट आंसर कौन हेबो कहंतु ना ऑप्शन कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆମେ କେବେ ଗାଁକୁ ଯିବା ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ କହୁଛି ମା ଠିକ୍ ଅଛି ମା ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ସେ ସ୍ପେସ୍ ନେଉଛି ବା ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଉଛି ତ ମା ଏଠି କ'ଣ କମା ଲଗେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁଛୁ ଆମେ କେବେ ଗାଁକୁ ଯିବା ତା ମାନେ କ'ଣ ମାଆକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ମା ଆମେ କେବେ ଗାଁକୁ ଯିବା ତା ମା ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଆଜି ଯିବା କି କାଲି ଯିବା କି ମାସେ ପରେ ଯିବା କି ଯିବାନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଗିବ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତା ମାଆକୁ ଡାକୁଛି ମା ସେଠି ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଉଛି ତ ଏଠିକି ଆମେ କମା ଲଗେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି କମା ମା ପରେ କମା ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆମେ କେବେ ଗାଁକୁ ଯିବା ତ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ କି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି 23 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଅଜୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବ ଏଠାରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ କ'ଣ କହିବେ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଅଜୁ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଅଜୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ନା ଏଇଟା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ରଘୁବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଯେ କି ଅଜୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କି ଆମର ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଜୁ କିଏ ଯିବ ନା ଅଜୁ ଯିବ ଯେ କି ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଯେ କି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଯେ କି ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ କହୁଛି କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେତେ ମହାନ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେତେ ମହାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଲାଗିଛି ହେବନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବି ଆମର ହେବନି ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳାବାଗିଆ କଥା ପଚାରିଛି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେତେ ମହାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କେତେ ମହାନ ଯେ କି ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳାବାଗିଆ କଥା କହିଛି ମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପ୍ସନ୍ ସିକୁ କଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମାର ଉପରୁ କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସାର୍ ଗ୍ରାମାର ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାର ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ଗ୍ରାମାର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟି ନେଇ ଆସୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ